हेलो गाइस, क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोगों को मूक्स समझ में नहीं आ रहा है कि ये एप्लीकेशन क्या है, मूक्स का यूज़ कैसे करते हैं। तो आप मैं आज आपको एक थोड़ा सा एक छोटा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा कि मीनिंग कैसे ऐड करते हैं मूक्स के अंदर। मीनिंग क्या है, जो कि बहुत उम्दा फीचर है मूक्स के अंदर का, और जो बहुत यूनिक है कि जो सीरी में, गूगल असिस्टेंट में नहीं मिलता है। तो देखते हैं कि कैसे मीनिंग ऐड किया जा सकता है। तो मैं मूक्स को भी पूछूंगा कि सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट विकी कौशल। तो I don't understand that. मूक्स को समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने एक सवाल क्या पूछा। तो मूक्स को समझाने के लिए हम मीनिंग ऐड करते हैं। तो कैसे मीनिंग ऐड करेंगे हम? सर्च ऑन इंटरनेट मींस गूगल। I understand that. तो अभी क्या किया मैंने, मूक्स को बताया कि सर्च ऑन इंटरनेट का मतलब क्या है कि गूगल कर। तो अभी मैं उसको फिर से पूछता हूं, सर्च ऑन इंटरनेट अबाउट विकी कौशल। तो देखिए, उसने गूगल ओपन किया और विकी कौशल को सर्च किया। तो बहुत इजी वे से मैंने मूक्स को बता दिया कि सर्च ऑन इंटरनेट का मतलब क्या होता है कि गूगल कर। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। स्टार्ट कैमरा, उसको नहीं पता कि स्टार्ट कैमरा क्या है, उसने ओपन नहीं किया। तो अभी मैं उसको बताता हूं कि स्टार्ट कैमरा मतलब कि ओपन कैमरा होता है। स्टार्ट कैमरा मींस ओपन कैमरा। I understand that. अभी मुझको समझ गया कि स्टार्ट कैमरा का मतलब है ओपन करना है कैमरा को, स्टार्ट कैमरा। Opening camera. तो आप देख सकते हो कि मुक्स ने अभी कैमरा ओपन किया है। तो इस तरीके से हम मुक्स के अंदर मीनिंग्स ऐड कर सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं कि इसका मतलब ए होता है तो ए करो। तो मुक्स के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी है उसको हम मतलब दे सकते हैं। फंक्शनैलिटी मतलब क्या क्या है कि ओपन एप्लीकेशन कर सकता है, रिमाइंडर सेट कर सकते हैं, अलार्म सेट कर सकते हैं। तो सी यू गाइज इन नेक्स्ट वीडियो विथ विजन, को हम कैसे मीनिंग डाल सकते हैं, मतलब कि मुक्स ने कुछ देखा तो उसने क्या रिएक्ट करना चाहिए, तो ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।